अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन आ गया है जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब होने लगा है, आपके पार्टनर का दिल आपसे हटने लगा है, तो आई एम श्योर ये सिचुएशन आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही होगी। आप समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि अब करना क्या है, कैसे टैटल करना है इस सिचुएशन को। तो आज इसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, जब एक रिश्ते में कोई थर्ड इंसान आ जाता है तो इससे आपको एक बड़ा झटका तो लगता ही है, क्योंकि साफ पता चलता है आपका रिश्ता अब खतरे में है। इससे जाहिर होता है कि आपका पार्टनर शायद आपको छोड़ने वाला है, आपको छोड़ने की तैयारी में है। ऐसे में अपने आप पर अपना आपा खो देना इज वेरी नेचुरल। हो सकता है आपके साथ में भी ऐसा हो रहा हो, बट स्टिल इस सिचुएशन में ध्यान रखिए कि ये जो हालात हैं ये बहुत नाजुक हैं। एक भी गलत स्टेप आपका इस रिश्ते को खराब कर सकता है हमेशा के लिए, एंड ये चीज आप बिल्कुल नहीं चाहते होगे। आप उस थर्ड पर्सन को निकालना चाहते हैं, आप उस रिश्ते को खत्म करना नहीं चाहते, है ना। इसलिए जरूरी है कि जब भी आपको उस थर्ड इंसान के बारे में पता चले तो एकदम से कोई रिएक्शन ना दे, क्योंकि आप बहुत गुस्से में हैं, बहुत बौखलाए हुए हैं, कुछ का कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि एक थर्ड इंसान के बारे में जैसे ही पता चलता है, अपने उमड़ते हुए इमोशंस को कंट्रोल में रखो, अपने आप को पहले संभालो, सीधे अपने पार्टनर से बात मत करो, सीधे उससे हिसाब मत मांगो, सीधे उससे लड़ो नहीं। पहले इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि हाँ कुछ गलत है, अपने आप पे कंट्रोल करो, अपने इमोशंस को थोड़ा काबू में लेकर आओ एंड थोड़ा सा शांत हो जाओ। उसके बाद जो सेकंड चीज आपको करनी है वो है अपने पार्टनर से इस बारे में खुलकर बात करना, एंड खुलकर बात करना फोन पर नहीं, खुलकर बात करना आमने सामने। उसे बताओ नहीं, उससे मिलने के लिए एक बार बुलाओ, उसके आमने सामने बैठो एंड बहुत शांति से, बहुत काम डाउन होके हिसाब मांगो कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और अब क्या करना है। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है डिस्कस करो उससे। ब्लेम गेम करके कोई फायदा नहीं होने वाला। उससे हिसाब मांगोगे, उससे पूछोगे ना, तब कोई फायदा होगा। उससे पूछो कि ऐसा क्यों हुआ, कब से हो रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है, उसे आपके साथ रहना है या किसी और के साथ रहना है, क्या प्लानिंग है, ये धोखा वो कैसे दे सकता है आपको। जो भी आपकी क्वेश्चन है दिमाग में, शांति से पूछो और उसके आंसर्स को सुनो ध्यान से। एक डिस्कशन के बाद आपको समझ में आएगा कि वो इंसान क्या चाहता है। अब यहाँ पर दो चीजें निकल के आएंगी। पहला, या तो आपका पार्टनर अपनी गलती के लिए सॉरी फील करेगा एंड बोलेगा कि गलती हो गई, सुधर जाता हूँ, सुधर जाऊंगी, या फिर वो आपको बोलेगा कि अब वो आपको प्यार नहीं करता। दोनों में से कोई एक चीज होगी। अगर आपका पार्टनर आपसे सॉरी बोलता है, अपनी गलती की माफी मांगता है, तो टेक योर टाइम। ऐसा नहीं कि तुरंत आप कह दो ठीक है यार आगे से मत करना, नहीं। नाराजगी आपका राइट है कि गलत तो उसने किया है। कॉन्टेक्ट में रहो, कॉन्टेक्ट नहीं खत्म करो, लेकिन एकदम से आप ठीक नहीं हो पाओगे, एकदम से नॉर्मल नहीं हो पाओगे। बोलो कि दोबारा उससे बात नहीं करनी है, अपने पार्टनर को प्यार से समझाओ, थोड़ी सी नाराजगी दिखाओ एंड धीरे धीरे रिश्ते को ठीक करो। एंड इससे पॉसिबिलिटी है कि आपका जो पार्टनर है जिसको आपने इतनी समझदारी से डील किया है, वो अपनी गलती का एहसास करे और उस रिश्ते को छोड़ के आपके साथ आए, ऑनेस्टी से रहे, चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाएंगी। दूसरी सिचुएशन में हो सकता है वो क्लियरली आपसे जैसे कि बोल रहा है कि मुझे उसके साथ रहना है, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती। ऐसे में अगर आपका प्यार बहुत पुराना है तो थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा आप भी सुकून में रहो। लेट्स सी कि मे बी शायद ये सिर्फ गुस्सा बोल रहा हो, वो इंसान वापस आपके पास आ जाए। थोड़ा समझाने की कोशिश करो कि जो आपका रिश्ता है वो पुराना है एंड ऐसे रिश्ते खत्म नहीं किए जा सकते। हो सकता है आपके पार्टनर का कोई गुस्सा हो आप पे, जिसकी वजह से वो किसी और से बात कर रहा हो, ऐसे में उसको समझाओ। तो एक दो हफ्ते लो अपने पार्टनर को प्यार से समझाने के लिए, बात करने के लिए। अगर वो प्यार से समझता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझता आपका पार्टनर
तो ये वो टाइम है जहां पर आपके लिए जरूरी है कि आप उसको छोड़ दो। इन सब चीजों में एक गलती मत करना, वो है उस थर्ड इंसान की बुराई। कभी कभी ऐसा लगता है कि उस थर्ड इंसान में कमियां गिनवाओ कि जिसको तूने पसंद किया है ना, वो इतना नालायक इंसान है, वो इतना बुरा इंसान है, वो तो गोल्ड डिगर है और ऐसा है और वैसा है। और आप चाहते हो और आपको लगता है कि आपका पार्टनर उसकी कमियां देखकर उसको छोड़ देगा, ऐसा नहीं होता। जितनी ज़्यादा आप कमियां गिनवाओगे उतना ज़्यादा आपका पार्टनर उसकी खूबियां गिनवाएगा। तो आप थर्ड इंसान की कमियां गिनवाकर अपने पार्टनर को उससे दूर नहीं कर सकते, ये गलती मत कीजिएगा। बल्कि इससे तो आपका पार्टनर उस थर्ड इंसान के ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। ऐसे में बस आपको चाहिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो। अगर वो नहीं माने आपका पार्टनर तो उसको छोड़ दो। आई नो जितना प्यार से जितना आराम से मैं इस चीज़ को कह रही हूँ ये इतना इजी नहीं होता है, लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ इजी, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन यही है। कहते हैं ना कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिसका ऑपरेशन ही इलाज है। अब मरीज कहे सर आपने तो ऐसे आराम से बोल दिया, ऑपरेशन इतनी बड़ी चीज़ होती है। तो चाहे बड़ी चीज़ होती है, जिसका इलाज ऑपरेशन है डॉक्टर ऑपरेशन की ही बोलेगा ना। वो बड़ी चीज़ है तो क्या वो नहीं बोले आपको? वो ज़रूरी है आपके लिए। बस सिमिलरली ये चीज़ इसलिए एक्सप्लेन करनी पड़ रही है। मैनी टाइम लोग कमेंट बॉक्स में आकर बोलते हैं कि मैम आप तो इतनी आसानी से चीज़ों को बोल देती हो, जैसे बड़ा छोटी चीज़ है। अरे भाई आसानी से बोल देती हूँ, छोटी चीज़ नहीं है, बोलती हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है एंड वही सॉल्यूशन है। अब वो डिफिकल्ट है इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एडवाइस ना दी जाए। सो ये एडवाइस है कि आपको क्या करना है। आई नो डिफिकल्ट है बट इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपका पार्टनर अगर आपको क्लियरली कहता है कि उसे आपको छोड़ना है, एक दो बार समझाओ और उसको जाने दो और उसका पीछा मत करो। ऐसे में जितना आप उसको के लिए रोओगे, उसके लिए तड़पोगे, उसको स्टॉप करोगे, उसका पीछा करोगे, उतना जल्दी वो आपसे दूर भागेगा, उतना ज़्यादा वो आपसे चिढ़ेगा, बहुत जल्दी आपको ब्लॉक कर देगा और जल्दी जल्दी उसके पास चला जाएगा। अगर समझाने पर वो नहीं समझता और आप अपने तरफ से जाने देते हो ये बोल के कि यार ठीक है अगर मुझे नहीं आप पसंद करते हो तो आज से मैं रिश्ता ख़त्म करता हूँ एंड अब हम बात नहीं करेंगे, तुम्हें इसके साथ रहना है, रहो। अगर आप खुद उसको जाने देते हो ना तो पॉसिबिलिटी है बहुत जल्दी उसको अपनी गलती का एहसास हो और वो इंसान वापस आ जाए। छोड़ कर जाने दोगे तो वो वापस आ सकता है। हाथ में रखने की कोशिश करोगे, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो वो हाथ से निकल जाएगा। तो थर्ड पर्सन को डील करने का यही तरीका है। इस बीच में कुछ लोग गलती क्या करते हैं, उठाकर फोन थर्ड पर्सन को घुमा देते हैं कि भाई तूने मेरी बंदी को पटा लिया। अरे आपकी बंदी को क्या पटा लिया? आपकी बंदी में दिमाग नहीं है, मुंह में निप्पल लगा है, अभी अभी पैदा हुई है, खुद डिसीजन नहीं ले सकती, उसको नहीं पता कि क्या करना है, बच्चा गुड़िया है, किडनैप कर लिया उठाकर। तो थर्ड पर्सन से बात करने का सिनेरियो मुझे समझ नहीं आता कि आप थर्ड पर्सन से बात क्यों करते हो। उसका कोई रोल है ही नहीं, वो अच्छा है या बुरा है। यहां पर तो आपको ये समझना है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है। आपकी शिकायतें उस थर्ड इंसान से नहीं होनी चाहिए, आपके पार्टनर से होना चाहिए। उससे कॉन्टैक्ट करके उसको अब्यूज करना, उससे झगड़ा करना, वो अच्छा या बुरा है यूजलेस है, ये सब मत करो। अपने पार्टनर से बात करो, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा अपने पार्टनर को टाइम दो। वक्त रहते वापस आता है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता तो अपने पार्टनर को जाने दो, स्टॉक मत करो, परेशान मत करो, इरिटेट मत करो, उसके आगे रोना कभी नहीं क्योंकि गलती उसकी है आपकी नहीं। इस प्रोसीजर में बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपका पार्टनर आज नहीं तो कल उसको छोड़ के वापस आपके पास आ जाएगा। तो यही एक लौता तरीका है थर्ड पर्सन की एंट्री को टैटल करने का, हैंडल करने का। होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिले। बस स्टिल अगर आप दुविधा में हैं, आपका कोई सवाल है जिसके बारे में आप मुझसे 1-to-1 पर्सनली बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। इस कॉल के मिनिमम से चार्जेस आपसे लिए जाएंगे, जरूरी हो तभी इस कॉल को बुक करवाएं। नाउ मुझे विदा दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।